आदि बद्रीनाथ केदारनाथ यही ओरिजिन कहा जाता है। एक समय की बात है, सारे ब्रजवासी लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के बैठान कहते थे, जहाँ पर ब्रजवासी लोग एकत्रित होकर के कुछ समस्या व कुछ आलोचना करते हैं उसके कहा जाता है बैठान। क्या बोला? बैठन। बैठन बोले जहाँ पर बैठते हैं। बैठक। बैठक। सभी ब्रजवासी लोग एकत्रित होकर के कहने लगे, देखो हम लोग चार धाम यात्रा करेंगे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया जीवन में एक बार चार धाम यात्रा करना चाहिए, नहीं तो और आगे धाम नहीं पाऊंगे। जीव तो जीव के एक बार भी धाम यात्रा होता है। कौन सा धाम? अंतिम धाम। अंतिम यात्रा होता है, अंतिम यात्रा होता है, संसार कहा जाता है। तो शास्त्र में ऐसे लिखा है, जो लोग चार धाम यात्रा नहीं करते उनकी नीच गति हो जाती है। इसलिए ब्रजवासी लोग बहुत सरल है, ब्रजवासी लोग कहने लगे, देखो हम लोग भी एक बार चार धाम यात्रा करनी चाहिए। सारे ब्रज लोग बोले, देखो कहाँ जाए ना, चार धाम क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार धाम हमको करना चाहिए। किंतु ये चार धाम कैसे करें? इधर से जो है विशेष करके ब्रज से केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री बहुत दूर भी है और चलने के रास्ता भी बहुत कष्टदायक कठिन है। जो लोग गए हैं देखे होंगे, रास्ता बहुत पतली रास्ते होती है और नीचे कम से कम 500 फीट नीचे नदी बहती है, थोड़ी सी पैर फिसल जाए तो बिल्कुल कभी आप वापिस पाओगे, आप छटपटाते छटपटाते प्राण छोड़ोगे और ऊपर से आपको लोग देखते रहेंगे, कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए ब्रजवासी लोग कहने लगे, हम लोग किंतु जाना ही है, नहीं तो अंतिम यात्रा ठीक नहीं रहेगा। अंतिम यात्रा माने मृत्यु कहा जाता है, इसलिए हम लोग चार धाम यात्रा करें। तो ब्रजवासी लोग ऐसे निर्णय कर लिया कि हम लोग चार धाम यात्रा करेंगे। इसलिए ब्रजवासी लोग मीटिंग करके कहा चलेंगे, किंतु कैसे चलें? इधर कृष्ण विचार करने लगे, देखो ये हमारे ब्रज ऐसे है, समस्त प्रकार सब प्रकार के तीर्थ ब्रज में ही तपस्या कर रही है, ब्रज की धूल प्राप्ति करने के लिए सारे तीर्थ आदि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और हमारे ब्रजवासी लोग कैसे सहज सरल है, अपने के साधारण एक जीव मान रहे हैं। ब्रजवासी लोग साधारण जीव नहीं है, अरे हमारे पास गाड़ी है, तुम जाओ, हमारे पास कार है, ये सब कार के लोग बैठे हैं। ब्रजवासी लोग बोले हम कैसे जाएं? और कृष्ण विचार करे, बात सब सत्य है, यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री बहुत दूर है और चलना भी संभव नहीं, और ब्रज में सारे तीर्थ आदि विराजमान है। कृष्ण कहने लगे, चलो हम आपके चार धाम दर्शन कर लेते। इसलिए कृष्ण ने सारे ब्रजवासी लोग के लेकर के ये चार धाम यात्रा कराया। ये इसके कहा जाता है आदि माने ओरिजिन कहा जाता है। इसके धाम दर्शन करने से और कहीं जाना नहीं पड़ता है, किंतु जो लोग कम बुद्धि वाले हैं उसके तो पैर में खुर रहता है ना, खुर समझते हो, वो सोचते हैं तो कुछ किया ही नहीं है, वो जाते हैं जा करके, जब वहाँ पर देखो जाओगे ना, कभी कभी इतने बारिश होती है वहाँ पर स्लाइडिंग जो है स्लाइड हो जाता है और कितने लोग मर भी जाते हैं। आज से करीब दो साल चार पाँच साल पहले हमारे कुछ भक्त लोग भी गए थे,
वो लोग भक्ति वाले मरते मरते बच गया, भगवान ने गुरुदेव ने उसको बचा लिया। किंतु कहते हैं जो लोग ब्रज में ऐसे धाम को दर्शन कर लिया और कहीं दर्शन करने के आवश्यकता नहीं है। बोलो केदारनाथ की जय। यहाँ पर शिव जी स्वयं तपस्या कर रहे हैं ब्रज की धूल प्राप्ति करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। अभी चले, अभी अपने बाग में जाकर के बैठ जाइए। अभी बद्रीनारायण जाएंगे, वहाँ पर और भी बहुत देखने की रमणीय स्थान है। यह तो केवल बात टूरिस्ट जैसे लग रहे हैं।